भारतीय कुश्ती संघ के जब से नए अध्यक्ष संजय सिंह बने हैं तभी से बवाल मचा हुआ है। नए अध्यक्ष को लेकर उठे घमासान के बाद खेल मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल खेल मंत्रालय ने संजय सिंह को सस्पेंड कर दिया है। खेल मंत्रालय ने ये कदम क्यों उठाए इसी के बारे में आज हम आपसे बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अदिति ओझा और आप देख रहे हैं खबर पास का डिजिटल प्लेटफॉर्म। WFI के हाल ही में हुए चुनाव में बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के करीबी माने जाने वाले संजय सिंह को जीत मिली थी। WFI के इस फैसले से पहलवान काफी ज्यादा नाराज थे। वहीं अब खेल मंत्रालय ने बड़ा फैसला लेते हुए कुश्ती संघ को रद्द कर दिया है और नए अध्यक्ष संजय सिंह को सस्पेंड कर दिया है। खेल मंत्रालय ने अगले आदेश तक किसी भी तरह की गतिविधि पर रोक लगा दी है। WFI को लेकर दिए गए निर्देश में कहा गया है कि ऐसा लगता है मानो पुराने पदाधिकारी ही सभी फैसले ले रहे हैं। खेल मंत्रालय ने कहा है कि WFI ने मौजूदा नियम कायदों की उपेक्षा की है। खेल मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता आयोजित करने का ऐलान जल्दबाजी में किया गया और नियमों का पालन नहीं हुआ। इस प्रतियोगिता का आयोजन उत्तर प्रदेश के गोंडा में होना था जो ब्रजभूषण शरण सिंह का इलाका है। मंत्रालय ने कहा कि नव निर्वाचित अध्यक्ष संजय सिंह ने 21 दिसंबर को ऐलान कर दिया कि जूनियर राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं इस साल के अंत से पहले शुरू हो जाएंगे, मगर ये नियमों के खिलाफ है क्योंकि प्रतियोगिता शुरू करने के लिए कम से कम 15 दिनों के नोटिस देने होते हैं ताकि पहलवान तैयारी कर सके। मंत्रालय ने आरोप लगाया है कि नई संस्था पूरी तरह से पुराने पदाधिकारियों के कंट्रोल में दिखाई पड़ती है जिन पर पहले ही यौन उत्पीड़न के आरोप लगे हैं। मंत्रालय ने आगे कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि नव निर्वाचित संस्था खेल संहिता की पूरी तरह से अवहेलना करते हुए पूर्व पदाधिकारियों के कब्जे में है। कुश्ती महासंघ का नाम पुराने पदाधिकारियों के परिसरों से चल रहा है। इसमें वे परिसर भी शामिल हैं जहां महिला पहलवानों के साथ यौन उत्पीड़न होने की बात कही गई है। वर्तमान में अदालत में भी इस मामले की सुनवाई चल रही है। गौरतलब है कि जब से संजय सिंह को भारतीय कुश्ती महासंघ के लिए हुए चुनाव में जीत मिली थी और उनको अध्यक्ष बनना तय हुआ था तब से ही पहलवानों ने इस पर आपत्ति जताई थी। पहलवानों का कहना था कि संजय सिंह बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के करीबी हैं और ऐसे में WFI में किसी भी तरह के सुधार की उम्मीद नजर नहीं आती है। जहां एक तरफ साक्षी मलिक ने पहलवानी से संन्यास लेने का फैसला किया था तो वहीं साक्षी मलिक के फैसले के बाद शुक्रवार को पहलवान बजरंग पूनिया ने पदक वापसी की घोषणा की थी। फिर इस मामले में और भी खिलाड़ी जुटने लगे। सामने आया कि स्वर्ण पदक विजेता वीरेंद्र सिंह यादव, जिन्हें गुंगा पहलवान के नाम से जाना जाता है, उन्होंने भी अब देश के शीर्ष पहलवानों के साथ एकजुटता दिखाते हुए सरकार को अपना पद्मश्री लौटाने का फैसला किया था। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये कदम उठाया है। अभी के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। तब तक जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे खबर पास्ट। नमस्कार।